अच्छा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रितेश गुप्ता। दर्शकों, जिस तरह से सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम यहाँ पर उभर कर सामने आया, उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का स्कैम यहाँ देखने को मिला, उसके बाद जूनियर इंजीनियर का स्कैम देखने को मिला, और इन सब की जो है सीबीआई इंक्वायरी जो है वो माननीय एलजी साहब के निर्देश के अनुसार जो है वो शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स जो है वो भी सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि जो स्कैम हुआ था, सबसे पहले जो है फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो एग्जाम्स हुए थे, जिन पोस्टों के लिए एग्जाम्स हुए थे, उनमें जो है ये स्कैम हुआ था। अब आम आदमी पार्टी जो है वो भी सड़कों पर उतर आई है। आज आम आदमी पार्टी जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार से मांग कर रही है कि फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स के जो एग्जाम्स किए थे उनकी सीबीआई इंक्वायरी की जाए, सीबीआई जो है जांच करे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी साफ हो सके। आम आदमी पार्टी के सारे एक्टिविस्ट नेतागण और वहां पर जंतर मंतर प्रोटेस्ट भी करेंगे, हो सकेगा ना समय के अनुसार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे। 19 में पेपर दिया था, 2020 में इसकी लिस्ट कास्ट आई, 3 अक्टूबर को उन्होंने लिस्ट निकाली और संडे के दिन उन्होंने आर्डर निकाला। पहली बार इतिहास में हो गया कि संडे के दिन उन्होंने आर्डर निकाला और मंडे से उनको ज्वाइनिंग डालाई विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट कोई, चाहे कोई मिलिटेंट है, कोई चोर है, कोई किसी प्रकार के उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं कराई। इतनी क्या आपदान पड़ी थी एलजी साहब को, इतनी क्या आपदान पड़ी थी डिपार्टमेंट को कि उन्होंने मतलब इंक्वायरी भी शेल्ड नहीं कराई, उन्होंने कोई वेरिफिकेशन नहीं कराई। एक संडे के दिन उन्होंने आर्डर निकाला और मंडे के दिन उन्होंने ज्वाइनिंग डाली स्टार्ट कर दी। इसमें वो लड़के आए हैं जिसका बाप था, जिसका भाई था, जिसका मामा था, जिसका चाचा था, जिसका ताया था, जो फाइनेंशियली पावरफुल थे, जो फेवरेटिज्म थे, नेपोटिज्म की शिकार थे। क्या डिमांड क्या है? हमारी ये डिमांड है, 3 साल से हमारी ये डिमांड है, या तो इसमें सीबीआई जांच कराई जाए या इसको कास्ट कराया जाए, लेकिन हमारी मांग बिल्कुल नहीं मानी जा रही। 3 साल से हम दर बिदर, लड़के स्ट्रेस में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, लोग सुसाइड करने तक की हालत आ गई है, लेकिन एलजी साहब के कानों में जून तक नहीं रह गई है। पता नहीं एलजी साहब किसको बचा रहे हैं, किसको शेल्ड कर रहे हैं। हमारा अगला, अगर ये नहीं माना गया, हम अगला स्टेप हमारा सुसाइड होगा, हम बीच पुल पे सुसाइड करेंगे। हम एलजी साहब को बताना चाहते हैं कि उन्होंने पहले 7,000 फैमिलियों की ब्रूटल किलिंग की, अब और नहीं, अब हम बताएंगे। हमने पहली बार इतिहास में पहली बार आया कि आई विटनेस जिसने पेपर खरीदा था, जिसने बोर्ड में एग्जाम दिया था, लेकिन एलजी साहब यकीन ही नहीं कर रहे, मान नहीं रहे इस चीज को, ये कह रहे हैं सारे झूठ है, एक डिपार्टमेंट मुझे सच ब्रीफ कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या मजबूरी है एलजी साहब की, किसको शेल्ड कर रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, हमें बताए तो सही। मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ का रहने वाला हूँ। सर ये मसला देखो, सर ये लड़के देखो, आप लड़के सर बड़ी बड़ी दूर से आए हैं, कश्मीर से, रामबन, उधमपुर, कठुआ, हर एक डिस्ट्रिक्ट के बंदे यहाँ पे आए हैं और हम 2013 से कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2013 में इसमें 3 बार एग्जाम हुआ है, तीनों बार धांधली हुई है, तीनों बार। 2013 में एग्जाम हुआ था तब धांधली हुई थी, 2018 में तब धांधली हुई थी, 2020 में तब धांधली हुई थी, 18 में भी हुआ था, तब मतलब कि शो हो गया था, मीडिया में आ गया था, तब इन्होंने क्या किया था, पेपर कैंसिल कर दिया था। उसके बाद 2020 में इन्होंने दोबारा पेपर लिया, ठीक है, 2020 में जब पेपर लिया, 2020 19 सितंबर को पेपर हुआ, मतलब 20 सितंबर को पेपर हुआ, 19 सितंबर को पेपर लीक हो गया था। और पेपर कहाँ लीक हुआ था सर? बोर्ड के अंदर, शिकारा जो होता है ना, जहाँ पे बोर्ड के अंदर कमरा बंद करके वहाँ भी पेपर इन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिस की पूरी रात। सर 7-7, 8-8 लाख का पेपर बिका वहाँ पे। अभी आई विटनेस ही गवर्नर साहब से मिला हुआ, उसने पूरा बताया कि हमने कहाँ से पेपर लिया, कहाँ लीक हुआ, क्या कैसे किया, कैसे नहीं किया, पूरा सब कुछ उसने गवर्नर साहब को बताया हुआ है। अब वही चीज़ हम यही चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि कितनी बार हो गया गवर्नर साहब को हर एक चीज़ का पता है, अभी पता नहीं इसमें सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं बिठा रहे। जैसे हमने सब इंस्पेक्टर में सीबीआई इंक्वायरी बिठाई है, काउंटर सिस्टम में सीबीआई इंक्वायरी बिठाई है, तो फायर एंड इमरजेंसी को पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है, उस पर क्यों सीबीआई इंक्वायरी रेज नहीं हो रही। और हम स्पष्ट शब्दों में उनसे यही बात कहना चाहते हैं कि अगर इसमें सीबीआई इंक्वायरी नहीं बिठाई तो सर हम तभी पुल पे जाके वहाँ पे अपने आप को सुसाइड करेंगे, सभी लड़के खुद को जला लेंगे, हमारा फ्यूचर पूरा बर्बाद हो चुका है। हम 2013 से सफर कर रहे हैं, लगातार 8-9-10 साल हो गए हमें लगातार सफर करते हुए, अभी हमारा भविष्य पूरा खत्म हो चुका है, ना हम कहीं जा सकते हैं, हमारे हम तो ओवर एज भी हो चुके हैं। अब लास्ट में हम गवर्नर साहब को यही चीज़ बोलना चाहता है कि अगर इसमें सीबीआई इंक्वायरी नहीं बैठी तो हम अपने आप को सभी लड़के यहाँ पे अपने आप जलाएंगे, सुसाइड करेंगे। इनकी मांग केवल इतनी है कि सीबीआई की इंक्वायरी की जाए, अगर बाकी एग्जाम्स में जो स्कैम उभर कर सामने आए थे उनकी सीबीआई इंक्वायरी हो सकती है तो इस एग्जाम्स की सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हो सकती है। बार बार जो है अपील की जा रही है, बार बार जो है एविडेंस दिखाए जा रहे हैं, बार बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और बार बार जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। मांग केवल इतनी है कि सीबीआई की इंक्वायरी की जाए ताकि इन लोगों को भी जस्टिस मिल सके। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।